हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे रत्न की, जिसे बोलते हैं रूबी, माणिक, जिसका हिंदी नाम है माणिक। सूर्य के लिए स्टोन होता है। जब भी कोई कस्टमर आते हैं ना, वो कहते हैं मुझे ना एक सुंदर सी रूबी दिखा दीजिए। अब सुंदर सी रूबी दिखा दीजिए का क्या मतलब, वो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि सुंदर तो बहुत सस्ती आ जाएगी। उसमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हल्का सा रेशा होना चाहिए, वो अच्छी होती है। हाँ, रूबी के अंदर ट्रीटमेंट बहुत आते हैं। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रीटमेंट इसके अंदर है। नेचुरल हो, अनहीट अनट्रीट हो तो सबसे बढ़िया मानते हैं। उसके अलावा भी इसमें ट्रीटमेंट आते हैं। इसमें आती है ग्लास फिलिंग, सिंथेटिक, चातम, बच के रहिए उससे। बहुत कुछ नकली आ रहा है इसके अंदर। और एक नई चीज़ इसमें आई है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ड्यूबलेट एक नई चीज़ आई है। पुरानी ही चीज़ है वैसे तो, नई तो खैर क्या कहूँगा, सभी स्टोनों में चलती है। देखिए, सुंदर सी रूबी है, ऊपर तो कुछ रूबी का लगा दिया, नीचे कुछ और चीज़ है, सुंदर सा लगता है। इसे बोलते हैं ड्यूबलेट, एक पतली सी परत ऊपर लगा दी। काफ़ी फ्रॉड है इसके अंदर, ध्यान से लीजिए। कोशिश कीजिए कि जो सर्टिफिकेट भी आपको मिले वो आपको ये मिले, जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का। इसमें सब लिखा होता है, देखिए, जैसे नो इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहेंसमेंट, इसका मतलब कोई एनहेंसमेंट नहीं है। अब डिपेंड करता है रूबी का प्राइस आप क्या ले रहे हैं। एक ऑन एन एवरेज अगर अच्छी रूबी आप लेते हैं तो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये की सवा पाशक्ति आती है। फिर उसके ऊपर भी आते हैं, उसके नीचे भी आते हैं। कुछ आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि इसमें ना काफ़ी कुछ आता है, ग्लास फिलिंग, नॉन ग्लास फिलिंग, मेरा कास्का, बर्मा, ओल्ड बर्मा या और अन्य अन्य जातों की भी आती है। जब भी लें, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। करोल बाग में हमारा ऑफिस है। आप मुझसे नहीं भी लेंगे तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आपको कैसे खरीदनी चाहिए। दिस इज़ गुड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको ये रूबी की वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। मैं एक दूसरी वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।